हाय दोस्तों, स्मार्ट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक कदम, आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया दोस्तों, जिससे आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है। ये देखो, सैमसंग J7 प्राइम, तो फिलहाल इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हाफ शॉटिंग का इशू है। तो हम क्या करेंगे, ये जो शॉर्ट किलर के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो हमें क्या है, बैटरी कनेक्टर के ऊपर कहीं भी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। तो ये सेक्शन देख रहे हो, इसी के ऊपर शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस शॉर्ट किलर के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाता हूँ कि कौन सा वाला पार्ट शॉर्ट है। तो यहाँ देख सकते हो, ये वाला पोर्ट है, आपको शॉर्ट नहीं दिखाएगा। यहाँ देख सकते हो, तो यह जो प्रॉब्लम है दोस्तों, अभी हाफ शॉटिंग का प्रॉब्लम है दोस्तों। मैंने इसके ऊपर की शील्ड निकाली है, तो मैंने यहाँ चेक कर दिया। तो यहाँ देख सकते हो, ये वाला जो कैपेसिटर है टोटल शॉर्ट है, ये दूसरा वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा पेस्ट लगा के हम चेक करेंगे जो हमारा जो पार्ट हीट हो रहा है, या उसे हम रिमूव कर देंगे। तो हम थोड़ा प्लग्स लगाते हैं, या ये तो माइनस है, माइनस में यहां लगाता हूं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो कैपेसिटर का प्लस रहता है वहां लगाने का है। तो यहां देख सकते हो, मैं हम क्या करेंगे, अभी माइक्रोस्कोप पे दिखाते हैं हमको। तो यहां देख सकते हो, शायद दोस्तों यही वाला जो कैपेसिटर है यही शॉर्ट है, इसी कारण मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को यहाँ से हटा के एक बार चेक करेंगे, यही जो कैपेसिटर है वही शॉर्ट। ठीक है, तो मल्टीमीटर से आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हो, हमारा जो शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग चला गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, जो कैपेसिटर था वही शॉर्ट था। तो यहाँ हमारा शॉर्टिंग था, अभी यहाँ से चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। तो हमारे ये वाला कंपोनेंट देख सकते हो, तो पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है दोस्तों। देख सकते हो, यही शॉर्ट था, इसी के कारण हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। यहाँ देख सकते हो, अभी टोटल मोबाइल ऑन हुआ दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।